हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। यहां मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर आगस मेंस इन 2018। आई हैव 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए GS फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो अभी एट प्रेजेंट टाइम पर अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको वेरियस कैटेगरीज में बहुत सारे एजुकेटर्स, आपको RPSC जो कैटेगरी है उसमें भी अप्रोक्सीमेट 200 से 300 एजुकेटर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी मदद से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RS हो, SCF हो, कॉलेज लेक्चरर हो, उसको आप क्रैक करने में आपको थोड़ा आसानी रहेगी। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, वो आपको कुछ नहीं करना, ठीक। आपको बस प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, वहां जाना है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको डाउनलोड करोगे। फिर आप यहाँ इंस्टॉल वाला आपको पता ही है सबको, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने अनअकैडमी ऐप है, वो लर्निंग ऐप, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ आपको आपका जो गोल है कि आपको क्या UPSC करना है या फिर RPSC करना है, तो उनमें से जो भी आपका गोल है वो सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन है, यहाँ क्लिक करना है, ठीक। जब यहाँ क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने जो RPSC का सब्सक्रिप्शन है वो दिखाई देगा। तो RPSC का सब्सक्रिप्शन है वो RPSC जितनी भी एग्जाम्स राजस्थान ओरिएंटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो RS हो, पटवार, कांस्टेबल, रीट, सब एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, ये राजस्थान ओरिएंटेड, ठीक। तो अनअकैडमी है वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराता है। तो मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये है कि जो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल की मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो अनअकैडमी है, उस पर 1 साल की आपकी फ़ी है 7,000 रुपये, और वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करते हो तो इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा और आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये, ठीक। इसी तरह अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मीन्स 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपकी फ़ी है 8,400 रुपये। वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करते हो तो आपकी फ़ी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपये हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता एट प्रेजेंट टाइम पर कोई भी ऑफलाइन क्लासेज 7,500 रुपये में आपको 2 साल के लिए तैयारी करवा रही होगी, ठीक। चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, मुझे तो डाउट है, मुझे नहीं लग रहा 2 साल के लिए। तो अभी क्या चल रहा है, कोविड, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो अनअकैडमी है वो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और अनअकैडमी से जुड़ के आप अपने जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक। तो अनअकैडमी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, क्या क्या बेनिफिट्स देती है। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगी। डेली लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो, और आंसर पोल्स है ना, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप जब क्लास चल रही है ना उस समय कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं जितने भी, वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ना, वो कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे। मीन्स अगर आपने छोटा सा पॉइंट भी है ना, कुछ भी है, छोटा सा टॉपिक, वो भी आपका यहाँ मिस नहीं होगा, और आपका एग्जाम में अगर वही पॉइंट आ गया तो उसको आप ढंग से बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो आपकी जो जर्नी है उसको बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट आपका है लाइव टेस्ट और क्विजेज। तो जो लाइव टेस्ट और क्विजेज है, इनके माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसका पता चलता है कि आपकी तैयारी सही जा रही है, नहीं जा रही।
आपको किस फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और किस फील्ड में आपको सही जा रहा है, तो ये चीजें आपको पता चलेगी लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। तो अगर आप एक बार अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज तो प्रोवाइड कराएंगी और जो उस समय लाइव क्लासेज चल रही है उनका भी एक्सेस प्रोवाइड कराती है, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया ना उतने टाइम के लिए। ठीक, तो जैसे लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में, तो आज जो अपन बात करते हैं इन सब प्रजामंडलों से आगे के जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उनके बारे में। और आप सबको पता ही होगा कि प्रजामंडल आंदोलन है, इनका मेन उद्देश्य क्या है, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक, तो आपका जो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। ठीक, किसने करी थी स्थापना, मगाराम वैद्य ने, ये ध्यान रखना, मेगा नहीं है, मगाराम वैद्य। ठीक, और कहाँ करी थी स्थापना, बीकानेर में, ये सॉरी मगाराम वैद्य है, इन्होंने जब बीकानेर प्रजामंडल की है वो स्थापना की थी। फिर 1937 ईस्वी में इन्होंने पुनः स्थापना करी, कहाँ पे, कलकत्ता में। एक बार पहले तो इन्होंने स्थापना करी बीकानेर में और फिर ये मगाराम वैद्य है वो चले गए आपके कलकत्ता, और कलकत्ता जाके इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की। जो बीकानेर प्रजामंडल है या बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल को शुरुआत होते ही इसका दमन कर दिया था, मीन्स इसका शैशव अवस्था में ही दमन कर दिया गया था, मतलब ये शुरू होते ही इसको खत्म कर दिया गया था। जो ने कांगड़ कांड है, कांगड़ कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ही घटित हुआ था। तो कांगड़ कांड है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कब, जब अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना तो उनमें। ठीक, तो जो कांगड़ कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ही घटित हुआ था। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजा परिषद। तो बीकानेर प्रजामंडल तो देख लिया अपन ने, 1936-37 में स्थापना हुई मगाराम वैद्य के द्वारा और फिर गंगा सिंह के द्वारा इसका शैशव अवस्था में ही क्या कर दिया जाता है, दमन। फिर बाद में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है 1942 ईस्वी में, और वो करते हैं आपके रघुवर दयाल गोयल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, किसकी, बीकानेर प्रजा परिषद की। फिर नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल। तो जैसे मैंने प्रजामंडल स्टार्ट किए थे अपन, तो मैंने बताया था कि आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक, तो और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, पटवारी हो चाहे आरएस हो, कोई भी एग्जाम उनकी होगी ना ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो वो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, और किसके द्वारा, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्यन्द्र के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्यन्द्र के द्वारा। उत्तरदायी मांग की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के राजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। तो ये ध्यान रखना कि भरतपुर प्रजामंडल है किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्यन्द्र के द्वारा स्थापित किया गया था, और लोगों ने बोला कि आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, तो मांग स्वीकार करने के बाद में जो भरतपुर के महाराजा थे किशन सिंह, उनको राजगद्दी छोड़ने के लिए लोगों ने बाध्य कर दिया था। तो ये ध्यान रखना आप कि भरतपुर प्रजामंडल है उसका नेतृत्व करता या नेतृत्व किसने किया था, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्यन्द्र के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में,
और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कांतिलाल चौथाणी और नित्यानंद जी इसकी स्थापना या इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो ध्यान रखना बूंदी प्रजामंडल, डेट आ गई आपकी 1931, और नेतृत्वकर्ता कांतिलाल चौथाणी और नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है आपका धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये ध्यान रखना कि धौलपुर प्रजामंडल है उसके नेतृत्वकर्ता थे कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है जी। तो इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना कि नेतृत्वकर्ता और डेट के बारे में। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है शाहपुरा प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में, किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा व लालूराम व्यास के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी। मतलब लोगों में क्या हो गया था, मतलब जागृति है वो फैल रही थी, लोग अपने अधिकारों से जो इतने दिन वंचित थे ना, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलने लग गया। तो उन्होंने क्या ही अपने अधिकारों की प्राप्ति करने हेतु प्रजामंडल आंदोलन है या फिर प्रजामंडल स्थापित किए, और फिर इन प्रजामंडलों के द्वारा ही जनसाधारण की जो मांगे थी उनको उठाया जाने लगा। तो शाहपुरा प्रजामंडल है उसकी नेतृत्वकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा और लालूराम व्यास। तो शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा व लालूराम व्यास। नेक्स्ट है आपका करौली प्रजामंडल। तो जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ये ध्यान रखना करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसने करी? हरिमोहन शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिमोहन शर्मा जी और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी, ठीक है जी। समझ में तो आ रहा है ना सबके, बता देना। नेक्स्ट है आपका किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? कांतिलाल चौथाणी जी। तो ये ध्यान रखना किशनगढ़ कहाँ के थे, किशनगढ़ के कौन थे नेतृत्वकर्ता? कांतिलाल चौथाणी जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोटा प्रजामंडल के बारे में। कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी को, और किसके द्वारा? अबिन हरी और पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी, और नैनूराम शर्मा को कोटा के राष्ट्रीयता का जनक भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि पंडित नैनूराम शर्मा है उनको क्या कहा जाता है, इनको कोटा के राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो कोटा के कौन कौन हो गए? पंडित अबिन हरी जी और पंडित नैनूराम शर्मा जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, कोटा प्रजामंडल है वो इम्पोर्टेंट है, इनके नेतृत्वकर्ता पूछ लेते हैं कभी, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 ईस्वी को। जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट, और जो गोकुल भाई भट्ट है इनको राजस्थान के गांधी भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि गांधी का पांचवा पुत्र तो है आपका जमना लाल बजाज, और राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है आपकी 23 जनवरी 1939
39 ईस्वी को, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। और जो सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर मुंबई में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1942 में और भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखना, कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1942 को, और किसके द्वारा? भंवरलाल निगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1943 ईस्वी में भूपेंद्र त्रिवेदी और हरिदेव जोशी ने स्थापना की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? उपेंद्र त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, थोड़ा इनके नाम वगैरह है वो किस हिसाब से याद रखो वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको याद नहीं करना तो मुझे बता देना, कोई ट्रिक ट्रिक बना के आपको याद करवाएंगे भाई। और क्या, आप लोगों से काम नहीं हो रहा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, तो आप लोग बता देना और फिर अपन कर लेंगे। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा, और इनको बोलते हैं वागड़ का गांधी। तो ध्यान रखो कि वागड़ का गांधी तो कौन है? भोगीलाल पांड्या। ठीक, और अभी जैसे अपन ने बात करा था, राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। तो ये है राजस्थान का गांधी, गोकुल भाई भट्ट। तो वागड़ का गांधी तो है भोगीलाल, और राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट। ठीक, गोकुल भाई भट्ट। तो ये ध्यान रखना, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, और राजस्थान का गांधी है वो आपका है कौन? गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। किसके द्वारा? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता कौन थे? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल इसके संस्थापक थे। ठीक है सर। जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। तो आप ध्यान रखना, जैसलमेर है वहां पे व्यास जी है वो मीठे हैं, तो इन्होंने स्थापना करी थी मीठालाल व्यास ने। और जयपुर प्रजा परिषद है, उसकी स्थापना 1943 और सॉरी 1939-40 में की गई थी। ठीक, जैसलमेर के जो शासक थे उन्होंने सागरमल गोपा है उनको क्या किया था? सागरमल गोपा को तेल डाल के मरवा दिया गया था। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल है वहां किसने स्थापना की 1945 में? मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल है, ये सबसे अंत में इसने प्रजामंडल है वो प्रारंभ होता है, और ऑप्शन से आपके 1946। ठीक, और इसका जैसे झालावाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व करता है वो किसके द्वारा किया गया था? मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखना, किस किसने नेतृत्व किया था प्रजामंडलों का स्थापना में। ठीक, अब कुछ तथ्य वगैरह हैं, कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में, उनके ऊपर भी एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्स है ना यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। ठीक, तो राजस्थान में सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस रियासत से हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा जोधपुर रियासत से। कि राजस्थान में सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ या किस रियासत से? जोधपुर रियासत से। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज ने 1942 ईस्वी में जयपुर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व स्वावलंबन का विकास करने हेतु एक
संघ की स्थापना की थी उसका नाम है चरखा संघ। ठीक, तो आपको बता देना है कि जो चरखा संघ है उसकी स्थापना किसने की थी, किसने करी? जमनालाल बजाज ने 1942 ईस्वी में रचनात्मक गतिविधियों बढ़ावा देने के लिए 1942 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। जैसलमेर रियासत है वो एकमात्र ऐसी रियासत है जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना कि जैसलमेर रियासत है वो एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रगति नहीं थी। ठीक है जी, ये तो थे अपने प्रजामंडल आंदोलन पीछे वाली जो स्लाइड्स है उनके बारे में। ठीक, अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र है ना उनके बारे में, और इनसे भी एक आधा क्वेश्चन है वो पढ़ जाता है, तो थोड़ा देख लो कि समाचार पत्र है उनसे संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन से किस वे में बनते हैं। तो महत्वपूर्ण सामाजिक समाज पत्र है वो आपका, प्रथम है सज्जन कीर्ति सुदागर, ये फर्स्ट साप्ताहिक। ठीक, तो फर्स्ट साप्ताहिक, इसमें भी सह और इसमें सज्जन में भी सह, और ये सज्जन सिंह के समय, तो ध्यान रख लेना कि सज्जन कीर्ति सुधाकर है उसका ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक, और ये कब? 1876 ईस्वी में उमेद सिंह या फिर सज्जन सिंह थे उस समय, सॉरी, तो सज्जन सिंह के समय ये जो मासिक साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता था। तो ध्यान रखना सज्जन कीर्ति सुधाकर किसकी है, सज्जन सिंह के समय 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है सर्वहित, ये है प्रथम हिंदी दैनिक। ठीक, मतलब दिल्ली की आती थी प्रथम हिंदी दैनिक, और 1870 में जय लज्जाराम बूंदी के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। तो सर्वहित प्रथम हिंदी दैनिक, तो ये ध्यान रखना प्रथम साप्ताहिक तो कौन सी है और दैनिक कौन सी है, 15 दिनों से कौन सी है, वो सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना। जो सर्वहित है ये प्रथम हिंदी दैनिक है, इसका कार्य ये कब लिखी गई थी? 1890 लज्जाराम बूंदी के द्वारा। थर्ड है राजस्थान समाचार 1889 मुंशी समर्थदास के द्वारा। राजस्थान केसरी 1920 विजय सिंह पथिक के द्वारा, और इनका नाम क्या है, मूल नाम भूप सिंह। ठीक है, तो राजस्थान केसरी है वो 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया था, कहाँ? वर्धा में। नवीन तरुण राजस्थान, राजस्थान है नवीन तरुण राजस्थान, 1922-23 में अजमेर में पथिक जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये ध्यान रखना नवीन तरुण राजस्थान है 1920-22 पथिक जी के द्वारा अजमेर में लिखा गया। नेक्स्ट है आपका महाराणा, ये प्रताप के, महाराणा प्रताप के नाम पर प्रताप, और इसके राइटर हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने कानपुर में ये पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, समाचार पत्र है, सॉरी, तो प्रताप जो समाचार पत्र है ये किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का। नेक्स्ट है आगी बाण, आगी बाण ये किसकी है? 1932 ईस्वी की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छोड़ी हुई जोधपुर की पुस्तक है ये, तो ध्यान रखना जोधपुर में, तो आगी बाण है वो जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में लिखी गई पुस्तक है। देश हितैषी ये मासिक पत्रिका है 1882 से छप रही है, और मुंशी मन्नालाल है वो अजमेर लेके, अजमेर से ये लिखते थे। तो देश हितैषी है वो मासिक पत्रिका है 1882 ईस्वी में, और मुंशी मन्नालाल है अजमेर के, वो इसे लिखते थे। नेक्स्ट है लोक सेवक, लोक सेवक के रचयिता कौन है? पंडित अबिन हरी, जो कोटा वाले, तो लोक सेवक की रचना पंडित अबिन हरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका लोकवाणी, लोकवाणी 1943 ईस्वी में देवी शंकर तिवारी के द्वारा, जो जयपुर के थे उनके द्वारा लिखी गई थी, और राजस्थान है 1923 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता
ब्यावर है वो वहां पे लिखी गई थी। तो ये आपके कुछ मेन मेन जो समाचार पत्र है उनके बारे में अपन ने बात करी है, ठीक है। तो इनका जो राइटर है ना उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना कि निम्न में से किस पुस्तक समाचार पत्रिका है उसका रचयिता प्रकाशक ये है, तो उस हिसाब से थोड़ा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। थैंक यू, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। अगर आज की क्लास है वो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक। और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा प्रोमो कोड ये है जिससे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।